अभी मैं आजकल पब्लिक में जा रहे हैं, हमारा चल रहा है स्कीम, चल वो चल रही है, प्लान चल रहा है आपका विधायक आपके द्वार, मैं जाता हूँ जगह जगह बात करता हूँ, तो वहाँ पर जब मैं बोलता हूँ कि भाई आप मुझसे क्या चाहते हो, पूछता हूँ लोगों से, तो उनकी डिमांड क्या होती है कि जी पार्क में एक झूला लगवा दो, सर आपने दो लगवा दी थी एक और लगवा दो, कुछ लाइटें लगवा दी, सर 70 लाइट लग बहुत अच्छा लगा, 30 और लगवा दो, कैमरे लगवाए थे 10 और लगवा दो, ये सर बहुत अच्छा करा दिया, एक ये काम और करा दो, खड्डा भरवा दो, छोटे छोटे काम सब कुछ कह लेते हैं। उसके बाद मैं पूछता हूँ कि भाई किसी ने हेल्थ के बारे में कोई क्वेश्चन है, नहीं है, एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन है, कहते नहीं है, मतलब जो बड़े इश्यूज़ हैं ना उनको बड़ी चालाकी से नेताओं ने पर्दे से गायब कर दिया, सपने देखना ही नहीं सिखाया, जनता को ये बता दिया कि भाई तुम्हारे लिए तो पॉलिटिशियन का मतलब है तुम्हारी गली का गड्ढा भर जाए, बस इससे आगे कुछ नहीं चाहिए, बाकी अपने आप करो। हाँ दूसरा एक और चीज़ कहते फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब उसी जनता को कहते हैं तुम टैक्स देते रहो, उस टैक्स के बदले में मांगना कुछ मत। तो बहुत चालाकी से बताया गया है, और मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि पढ़े लिखे लोगों को बड़ी जल्दी से बेवकूफ़ बनाया इन्होंने, वो बनाने के लिए मीडिया का बड़ा यूज़ किया गया है कि नहीं नहीं कुछ भी फ्री में नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे समझ नहीं आया भाई, आप टैक्स दे रहे हो तो आपके लिए तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, प्रीपेड हो गया तो बिल्कुल, जब आपने पहले एडवांस में पैसा दे दिया फिर हर चीज़ के पैसे मांगो, क्यों मांगो हर चीज़ के पैसे, और किसके लिए, कहते आपने पैसा दे दिया अब मैं बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें 50 मिनट खा जाऊंगा, तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर वही काम जैसे 662 करोड़ का 60 करोड़ में कर दिया, 602 करोड़ रुपये बचे, उस 602 करोड़ में हम आपको कुछ फ्री दे देते, ऐसे कैसे कर सकते हो आप फ्री में कैसे दे सकते हो, अरे यार कमाल हो गया, आप ही का पैसा हमारा बर्बाद हो रहा था उसको बचा लिया, आप ही को वापस कर रहे हैं।